आकाशवाणी को बैठे प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। चक्रवाती तूफान लहर ने खतरनाक रूप धारण किया। देवघर सहित विभिन्न इलाकों में भारी वर्षा, संचार प्रणाली प्रभावित है। राजधानी सेवाएं रद्द की गई। उपराज्यपाल ने दूसरे तट सुरक्षा अभ्यास की तैयारियों की समीक्षा की। देवघर में आयोजित लोक अदालत के दौरान 300 से अधिक मामले निपटाए गए और उद्योग निदेशालय ने राष्ट्रीय दूध प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे। समाचारों के संग में शमा हुसैन के साथ मैं राकेश चंद्र लाल। अंडमान सागर में उठा चक्रवातीय तूफान लहर खतरनाक रूप धारण कर चुका है। इसके प्रभाव से पोर्ट ब्लेयर सहित दक्षिण अंडमान और मध्यतर अंडमान के अधिकांश इलाकों में भारी वर्षा हो रही है। इस समय करीब 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। कई इलाकों में पेड़ की शाखाएं टूट कर गिरने के समाचार है। आज सुबह ये तूफान पोर्ट ब्लेयर से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। हड्डी और लॉन्ग आइलैंड के बीच से होते हुए इसके आगे बढ़ जाने की संभावना है। पोर्ट ब्लेयर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा और तूफानी हवा के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। पोर्ट ब्लेयर की कुछ निचली कॉलोनियों में पानी भर गया है और गाड़ियां डूब गई हैं। लोगों ने ऊपरी मंजिल पर शरण ली है। दूरसंचार प्रणाली अव्यवस्थित हो गई है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह पर खतरे का संकेत नंबर 7 लगा दिया गया है। मछुआरों से कहा गया है कि वे समुद्र में ना जाएं। जिस समय के समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। इस बीच प्रशासन के जागरानी सेवा निदेशालय ने आज सभी अंतर द्वितीय कल्याण सेवाएं रद्द कर दी हैं। समुद्र अशांत रहने पर काठम से बंकलाट, बंदरस्टांड और पानीघाट के बीच संचालित फेरी सेवाओं को भी रद्द कर दिया गया है। पोर्टब्लेयर सहित दक्षिण अंडमान और मध्यतर अंडमान जिले के सभी स्कूल और कॉलेज आज के लिए बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जगह जगह राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। समुद्री तटवर्ती क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में आज की निर्धारित परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। खराब मौसम के कारण ऐसा करना पड़ा है। परीक्षा की अगली तारीख के बाद में घोषित की जाएगी। पोर्टब्लेयर में कई कार्बन के तटवर्ती समुद्री क्षेत्र में दो युवक डूबने से बच गए। सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक युवक जैसे ही पानी निकला वो लहर की चपेट में आ गया। इसे बचाने गया दूसरा युवक भी शहरी लहरों में फंस कर गहरे पानी में चला गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। तब तक दोनों युवक तैर कर बाहर आ गए। एक युवक मामूली रूप से घायल हो गया था। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह ने इस महीने की 23 तारीख को राज्यवास में अंडमान निकोबार कमांड मुख्यालय और तटरक्षक अधिकारियों के साथ इस वर्ष के दूसरे तट सुरक्षाभ्यास संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में प्रशासन के मुख्य सचिव के अलावा रियर एडमिरल सुधीर पिल्लई, तटरक्षक कमांडर महानिरीक्षक BSR मूर्ति सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर रियर एडमिरल पिल्लई ने तट सुरक्षा की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी। इसके बाद तटरक्षक महानिरीक्षक BSR मूर्ति ने अभ्यास संचालन से जुड़ी प्रक्रिया की चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस अभ्यास में कुल 16 संगठन और विभाग भागीदार होंगे। उपराज्यपाल को तटरक्षक की ओर से तट सुरक्षा के बारे में समय समय पर आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी गई। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह ने बैठक के दौरान आश्वासन दिया कि प्रशासन तट सुरक्षा अभ्यास को सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग देगा। उपराज्यपाल ने कहा कि पहले चल रहे तट सुरक्षा अभ्यास के दौरान सामने आई कमियों को ध्यान में रखते हुए होने जा रहे अभ्यास का संयोजन और संचालन होना चाहिए। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह ने द्वीप समूह के युवाओं से अपील की है कि वे नियुक्तियों के बारे में अफवाहों पर ध्यान न दें। अंडमान मैराथन के अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षकों और युवाओं से कहा कि हर स्थिति में स्थानीय बेरोजगार युवाओं के हितों की रक्षा की जाएगी। उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया कि कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास किया जाएगा कि सभी उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी जा सके। पोर्टब्लेयर में कल अंडमान मैराथन का आयोजन हुआ। 21 किलोमीटर की दौड़ की इस दौड़ को राष्ट्रीय स्मारक समूह जेल से उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर के विभिन्न भागों से होती हुई ये दौड़ पोर्टब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में पहुंचकर संपन्न हुई। 1.5 किलोमीटर की दूरी के लिए आयोजित रन फॉर फन का उद्घाटन प्रशासन के मुख्य सचिव आनंद प्रकाश ने किया। इस दौड़ में उपराज्यपाल ने भी भाग लिया। हाफ मैराथन में कीनिया के डैनियल को प्रथम और एंटीनो को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। 10 किलोमीटर की दौड़ में परेश कुमार विजेता रहे।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी देवघर से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं लोक अदालत, पुनराभ्यास कार्यक्रम, बूथ प्रशिक्षण और साक्षात्कार। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी देवघर से सुन रहे हैं और अब समाचारों की अगली कड़ी के साथ शमा हुसैन। धन्यवाद राकेश। तेज देर में दक्षिण अंडमान जिला लोक अदालत भवन में हाल ही में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस लोक अदालत में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र पॉल ने 300 से अधिक लंबित मामलों की सुनवाई करते हुए उन्हें पाया। जुर्माने के रूप में 55,000 रूपए से अधिक की धनराशि वसूल की गयी। इसके अलावा लोक अदालत में बैंक ऋण से संबंधित 28 विवादों को भी निपटाया गया। एक बार लोक अदालत में विचार के लिए विभिन्न अदालतों से 1700 से अधिक मामलों को हल करने के लिए भेजा गया है। मामले को निपटाने के लिए गठित पहली पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सौमित्र पाल थे। अधिवक्ता हेमराज बहादुर और श्रीमती अंजलि नाग इस पीठ के सदस्य थी। दूसरी पीठ की अध्यक्षता सुदीप नियोजी ने की तथा जिला और सत्र न्यायाधीश देवाशीष मुखोपाध्याय ने तीसरी पीठ की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत अंडमान निकोबार राज्य जन और स्वच्छता मिशन की ओर से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के वास्ते हाल ही में लिटिल अंडमान तहसील के अंतर्गत हब्बे नेताजी नगर रामकृष्णपुर तथा विवेकानंदपुर में ग्राम जल स्वच्छता समिति के गठन के लिए पुनराभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भविष्य के लिए जल सुरक्षा के वास्ते उपलब्ध जल स्रोतों की सुरक्षा एवं संरक्षण पर बल दिया गया। इसके अलावा ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति के बारे में चर्चा हुई। कार्यक्रम में संबंधित पंचायतों के प्रधानों को क्षेत्र जल परीक्षण किट प्रदान किए गए। इसका उपयोग पंचायत स्तर पर प्रत्येक परिवार